नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। शाजापुर यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पत्रकार मिलन समारोह में जिले भर के पत्रकार उपस्थित रहे, वहीं अन्य जिले के पदाधिकारी और पत्रकार भी शामिल हुए। कार्यक्रम मक्सी क्षेत्र के ग्राम झोंकर की पंचायत भवन में रखा गया। संगठन में 10 नए सदस्यों की सदस्यता ग्रहण की गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर किया गया। तत्पश्चात स्वागत बेला में संगठन के अतिथियों, नए सदस्यों और पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। यूनाइटेड प्रेस क्लब के अतिथियों द्वारा सीखने सिखाने और पत्रकारिता की बारीकियों पर बात करते हुए अपने विचार रखे गए। संगठन ने सबकी बात सुनी और सबको साथ देने और चलने की बात दोहराई। कार्यक्रम का संचालन राजेश सिसनोरिया ने किया। शाजापुर से जावेद खान की रिपोर्ट। जी सर, जो यूनाइटेड प्रेस क्लब ग्रुप है, ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और पत्रकारों के हित में किस प्रकार से कार्य कर रहा है? आज शाजापुर जिले की मक्सी तहसील में ग्राम झोकर में पत्रकारों का एक सम्मेलन रखा गया था। विषय यह था कि शाजापुर जिले सहित पूरे प्रदेश में पत्रकारों पर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। हमें ये देखना है कि मुकदमे कायम क्यों हो रहे हैं, क्या हमारे साथियों की क्या कमियां हैं उसमें, और अगर मुकदमा कायम हुआ है तो उन्हें उसके लिए हमें स्थानीय प्रशासन, आईजी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा कर इन मुकदमों को कैसे वापस लेने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, इन पर चर्चा करना है। जी सर, ये संगठन किस अभी जो एक हो रहा है, ये संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन चूंकि पत्रकारों से जुड़ा संगठन है, पत्रकारों के लिए बना संगठन है, तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करना संगठन।